Hello everyone. So as you all know, we have started this novel initiative of interacting with toppers so that we can take gain from their experiences and pass this on to those who are appearing in UPSC EPFO interview, which are, about to commence in a month or two. So in that same sequence, Prince, today we have with us Rajveer Singh Marwah, who have been a topper in the recently concluded EPFO exam and is from the latest batch. And Rajveer is currently posted in Gujarat. One more thing about Rajveer is that he has recently got selected in the assistant commandant exam conducted by UPSC, and he has got an all India rank of 6 in that exam. So he has a very diverse experience of UPSC interviews as well, because he has already cracked it twice now. So today we shall try to gain insights into Rajveer's interview. What was his approach to interview that has helped him in securing, good marks in two of the UPSC interviews he has faced? So let us start today's journey. Welcome, Rajveer. Thank you, sir, for having me on this channel. Yeah, so first of all, congratulations for getting selected in UPSC EPFO and then subsequently getting All India Rank 6 in UPSC CAPF Assistant Commandant exam. Thank you, sir. I got lucky, Yeah. sir, after a lot of struggle in civil services. I had my share of struggle and my share of success now. Yeah, as they say, hard work never goes waste. Right, sir. So, Rajveer, we shall keep this interview or conversation in Hindi so that, a lot of Sure, sir. students, they had requested us to keep it in Hindi. So, friends, हम लोग राजवीर सर से शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से ही शुरू करते हैं. तो राजवीर, हमें बताइए कि आपने पहले तो ईपीएफओ इंटरव्यू पे ही आते हैं, बहुत रिसेंटली ही दिया है, 1.5 साल से ज्यादा आपको नहीं हुआ है उस इंटरव्यू को दिए हुए, तो मेमोरीज मस्ट बी फ्रेश. तो एक बार अपने हाइलाइट्स बताइए, कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा आपका? ठीक है सर, ईपीएफओ जो सर इंटरव्यू थी वो मेरी लेटर एंड पे थी, अपने जो हमारा स्केड्यूल आया था उसमें। एंड उस टाइम पे सर, जो जिस दिन मेरे को बुलाया था, आई वाज 6th टू अपीयर, 6 लोगों का ही था सर। मैं कंफ्यूज कर गया, मिक्स कर सीएपीएफ के साथ। आई वाज 6th इन द सीएपीएफ वन, और इन ईपीएफओ वाले इंटरव्यू आई वाज द फर्स्ट वन टू गो। आई वाज द फर्स्ट वन टू गो, और दोनों का एक्सपीरियंस है मेरे को। पूरा वेट करने वाला भी, 3 आवर्स सिटिंग अप टिल एंड इन द रूम वेटिंग फॉर योर टर्न, एंड द फर्स्ट वन ऑल्सो। वो ऐसे लगता है जाते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उतने में ही फर्स्ट बंदे को कॉल दे देते हैं। आफ्टरनून सेशन था सर मेरा, तो नियरली 1:15 पे उन्होंने मेरे को बुला लिया, एंड इट वेंट ऑन फॉर 40 मिनट्स मेरा इंटरव्यू। अरे फोर वाह, फोर पीपल वेयर देयर, क्योंकि सर फर्स्ट इंटरव्यू जनरली लंबे चले जाते हैं सर, उनके पास भी इनफ टाइम होता है। तो एंड 4 मेंबर बोर्ड था सर, एक लेडी मेंबर भी थे और बाकी 3 मेल मेंबर्स थे, और चेयरमैन दीपक गुप्ता सर थे जो एक्स यूपीएससी चेयरमैन रहे हैं। जबटीना दाबी मैम थे 2015, उस टाइम पे वो चेयरमैन थे। तो इंटरव्यू के सर हाईलाइट, सर सबसे ज्यादा मेरे को क्वेश्चंस मैम ने पूछे थे जो फीमेल मेंबर थे, नियरली लाइक हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। और जो चेयरमैन सर थे वो, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछ के, बट ही वॉज कमिंग इन अगेन एंड अगेन। जब भी कोई मेंबर कुछ पूछ रहा था, ही वॉज कीनली वॉचिंग मी, एंड ही वॉज इवन इंटरवीनिंग, आस्किंग सम थिंग्स उस टाइम पे भी। तो इट वॉज लाइक एन इंटरेक्शन, और मेरा काफी डैफ बेस्ड गया था इंटरव्यू, तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं मतलब सेटिस्फाइड था, बट बाद में मेरे को शॉर्ट कमिंग्स रियलाइज हुई मेरी, बट इंटरव्यू ओके, मेरे उसके लिए लाइक, उसके ऊपर भी हम लोग उन पे भी आएंगे अभी हाँ सब्सिक्वेंटली. सर, तो बहुत अच्छा गया ओवरऑल था मतलब इंटरव्यू ऐसे में। इंटरव्यू आपका आई एक अच्छा वॉज एक्सपीरियंस था. वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। आई न्यू मोस्टली, लाइक वो गलत होता है, बट आई न्यू एवरीथिंग। आई फेल्ट लाइक कि सब मेरे को जो पूछा, हर चीज मेरे को आ ही रही थी। प्रिपेयर्ड था सर, डेफ वाले पार्ट से था, और अच्छा गया था सर सो ऐसे यू में। आई फील वॉज वेरी गुड. सेटिस्फाइड। ओके, गुड टू नो दैट. तो राजवीर, आपने बोला इंटरव्यू देते वक्त और उसके बाद आपको अच्छा लगा आपको, तो क्या इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले या उससे एक रात पहले, एक दो दिन पहले, तो क्या नर्वसनेस थी आपके अंदर थोड़ी बहुत? सर नर्वसनेस सर बहुत ज्यादा थी सर, नर्वसनेस सर मतलब मैं, दोनों दोनों मेरे को वो फीलिंग्स याद आती हैं। तो जैसे सीएपीएफ वाली बिल्कुल रिसेंट, और ईपीएफओ वाली भी मेरे को याद आती है, तो
उस टाइम पे सर मैं एक दिन पहले, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह भी, मेरे को मोस्टली उनको भी होता है कि यूपीएससी देने जा रहे हैं तो दे वांट टू कंपनी मी इन ईपीएफओ वाला। आई वाज लाइक उस टाइम कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे मेरे को थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, तो आई सेड कि आप लोग कोई ना हो, मेरे को बर्डन ऐड होता है तो उतना आ जाता है सर, एक्सपेक्टेशंस का इतना बर्डन होता है सर और परफॉर्म करने का कि कोई भी बंदा सर नर्वस होता है। तो ओके, तो फिर कुछ ऐसा अलग से आपने किया और जो आप बताना चाहें अगले जो एस्पिरेंट्स हैं अभी जो फिलहाल इंटरव्यू देने जाएंगे, कि उस नर्वसनेस को और उस फेज को किस तरीके से, देखिए नर्वसनेस हम सब मानते हैं कि नॉर्मल, एक एक तरीके से सम अमाउंट ऑफ नर्वसनेस शोज योर डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट इन दैट इवेंट, कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उस चीज में, तो उसको नर्वसनेस को हैंडल कैसे किया जाए, और अगर वो आ रहा है तो खुद को कैसे समझाया जाए कि ये नॉर्मल है। सर एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले जो नर्वसनेस होती है, और सर उसके लिए सर बेस्ट पार्ट ये है कि सर अपना जो आपके जो क्लोजेस्ट कोई है, अगर इंडिविजुअल कोई हो तो आप उनसे एक बार कॉल करें, क्योंकि दूसरा जब आपको कुछ बोलता है तो हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वी परसीव इट, जो दूसरा हमारे बारे में सोच रहा है। तो जो आपको कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करते हैं, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई मेंटर हो सकता है, तो उनसे आप बात करें एक रात पहले या उससे 3 4 घंटे पहले, जो आपको एक बार पूरा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर दें, जिन्होंने जिनको आप में सच में लगता है कि यू डिजर्व सिटिंग देयर, और जो आपको भी लगता है कि दे आर क्वालिफाइड इनफ टू जज यू। तो वैसे वाला कॉन्फिडेंस मैंने दोनों टाइम अपने दोनों इंटरव्यूज में अलग अलग दो लोगों से जिंदगी में लिया है, तो वो मेरे को हेल्प किया सर। बहुत बहुत अच्छा एडवाइस आपने दिया कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट करे जो आपके इर्द गिर्द, जिसे जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज जो सरफेस हो रही हैं उसको आप हैंडल कर पाए। तो उसके अलावा अब थोड़ा सा इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस से थोड़ा पीछे जाते हैं, 1 2 3 महीने पहले जब आपको पता चला कि अब आप इंटरव्यू की ये डेट है, तो उसके बाद का अप्रोच कैसा था, क्या क्या तैयारी के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज थी, थोड़ा बताइए मतलब डिटेल में। सर जैसे उस टाइम मैं मेंस के लिए अपियर हो रहा था और मैं दिल्ली में ही था, और यथार्थ आईएएस का ही सर इनिशिएटिव था इंटरव्यूज का, तो मैंने उसमें एनरोल किया और मैंने काफी इंटरव्यूज दिए थे आई गेस, और मैंने यहीं पे दिए थे, 4 इंटरव्यूज दिए थे मैंने, और सर आप थे और राहुल सर थे और लोग थे, और जो उसमें से सर फीडबैक मिलती थी उसी पे काम करके ही सर मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी उस टाइम पे सर। उसके ऊपर एड ऑन दूसरे इंटरव्यू में कुछ चेंजेस किए बाद में मैंने, लाइक इम्प्रूवमेंट जरूरी होती है, बट जो ईपीएफओ में जो मेरे लिए वर्क किया वो वही था सर, के गिविंग मॉक और उस पे जो फीडबैक मिला उस पे काम करना, और इतना ही था सर, लाइक दिस हेल्प मी ओके okay. सेल थ्रू। तो थोड़ा और अगर हम उसको डेप्थ में जाने की कोशिश करें, तो मेरा सवाल ये है कि आप सपोज आपके पास दिन भर में 5 6 घंटे हैं उस इंटरव्यू की तैयारी को देने के लिए, तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम था वो किस तरीके से, मैं 2 3 हेड्स में उसको बांटता हूँ। एक तो हम मानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो क्या उसके लिए कितना टाइम आप डिवोट करते थे, यानी कम्युनिकेशन में आई वुड लाइक टू इंक्लूड बोथ वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। दूसरा जो नॉलेज वाला पार्ट है, और नॉलेज वाले पार्ट में फिर 2 एस्पेक्ट्स आ गए, एक तो जो करंट इवेंट्स जो डैफ से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा डैफ कि जो डैफ में जो आपने बोला कि आपका ज्यादातर इंटरव्यू डैफ पे था, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताइए थोड़ा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, ईपीएफओ के बारे में कितना जाने, और डैफ से रिलेटेड किस डेप्थ में जाएं, तो यानी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का एक ब्रॉड एक आइडिया दीजिए कि कितना कितना टाइम किसको दिया जाए, कितने प्रतिशत। सर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेड है, जैसे इसमें सर ये ना बड़ा कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग वाला है, यू मेक इंट्रो अपनी पहले दिन, वो इंट्रो आप कॉन्स्टेंटली लास्ट दिन तक इम्प्रूव करते रहते हैं, सो देयर इज नो परफेक्ट आंसर, परफेक्ट इंट्रो भी कोई नहीं होती, तो इंट्रो से शुरू होता है सबसे पहले, पूछे ना पूछे एवरीवन प्रिपेयर्स। तो फॉर दैट सर वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन पार्ट है ना सर सारे का, टू बी वेरी इजी टू कम्युनिकेट व्हाट यूर फीलिंग सर, वही बेस्ट पार्ट है, लाइक टू हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। नॉलेज जो है कि आपकी होम स्टेट, करंट अफेयर्स, ये सब हम ब्रॉड हेड्स में कवर करते हैं सब लोग, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चंस को वाइजली हैंडल कर पाए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा उसको कैसे एक लाइट ह्यूमर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा विटी होना, थोड़ा आंसर्स में एक वो, उसमें मेरे को मेरी मतलब आई वॉज वेरी वीक एट दैट, क्योंकि वो कभी भी इतना कभी किया नहीं, तो आई टुक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड शिवांगी, शी वॉज वेरी गुड, तो वो अपने जैसे जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, कोई इलोक्वेंट होता है नेचुरली, ये भी आर्ट है, तो वो सर उनसे ग्रास्प किया, और सर आई विल थैंक यू ऑल्सो
आपसे भी सर मैंने सर बहुत जो मेजर टिप्स ली थी कि क्रिस्प रखना और छोटा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाए सर। ये नॉन वर्बल पार्ट वर्बल पार्ट था। बाकी सर जो प्रेपरेशन है सर वो हेड्स बना के अपने डैफ के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं डैफ को स्टडी करके दूसरों से स्टडी करवा के मैक्सिमम क्वेश्चंस डैफ पे बना के उन पे काम किया गया। और करंट अफेयर्स में जो हॉबीज से रिलेटेड चीजें चल रही हैं चेयरमैन जनरली आस्क जो आपका हॉबी पार्ट रहेगा जो आपने मेंशन किया उस पर चेयरमैन सर जनरली पूछते हैं। मैंने ये नोटिस किया दोनों अपने इंटरव्यूज में। तो उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं जैसे मैंने IR लिखा हुआ था सर तो यूक्रेन रशिया चल रहा है तो उसको इन डेप्थ स्टडी किया और क्वेश्चंस भी आए उस पर। तो यही सर मतलब टाइम का सर इट्स वेरी पर्सनल थिंग कि हाउ मच यू गिव वो आपको किस चीज में मतलब नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट आप पढ़ लें उसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस वर्बल नॉन वर्बल दोनों पार्ट से ही आता है। तो बेस इज वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉलेज पार्ट इज जस्ट टू बिल्ड ओवर इट। सो मैं जो समझ पा रहा हूँ आप जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अच्छे से रखेंगे और यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो नॉलेज जो है वो दैट कैन बी हैंडल्ड मतलब इंटरव्यू रूम में, ठीक है। Anyone तो going there has enough knowledge, sir. I believe, sir, कि जो भी वहां जा रहा है, enough है, sir, to communicate, to sit there and talk on any topic for 3-4 minutes. And quality, you can communicate something which is worth discussing in UPSC interview. तो अभी मैं आपका ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था तो उसमें ईपीएफओ से रिलेटेड सवाल कम थे। ईपीएफओ की जो भी तैयारी की, कितनी की और क्या क्या सोर्सेस थे आपके, थोड़ा उनपे प्रकाश डालिए। सर मैंने सर मेरा सबसे वीक पार्ट था EPFO की तैयारी वाला। मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं था वही जो मॉक्स में मेरे को चीजें हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको प्रिपेयर किया और उसके लिए सोशल EPFO का जो इनिशिएटिव है उनके फेसबुक पेज अपना इंस्टाग्राम पे जो पेज है उससे थोड़े बहुत जो अपडेट्स थे उनसे बेसिक नोट्स कि क्या स्कीम्स हैं क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन और बहुत मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सर उन चीजों को लेके। और मैं मतलब उनमें बहुत कंफर्टेबल नहीं था अगर कोई डेप्थ में जाता था बट आई वॉज लकी इनफ कि उस पर ज्यादा नहीं पूछा गया। बट पूछा भी ज्यादा नहीं जाता ना सर पूछा। मेरे जो दोस्तों से पूछा गया दे इवन स्कोर्ड वेरी वेल उनको कुछ नहीं आता था दे सेड सर वी डोंट नो दे वेटेड ऑन दोस क्वेश्चन आई गेस। करेक्ट करेक्ट, राइटली सो, बिकॉज आप उस जॉब में जाने वाले हैं, आप ऑलरेडी वो जॉब नहीं कर रहे, यू आर एस्पायरिंग टू गो देयर। तो जो निकल के आ रहा है इस बात से वो ये कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आप जैसा आपने बताया ईपीएफओ की वेबसाइट का पेज भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे उसको फॉलो करके जो जो हाँ सर अपडेट चल रही हैं विकिपीडिया विकिपीडिया विल डू सर द विकिपीडिया ईपीएफ राइट। वेबसाइट विल डू और बाकी सर और अपना कोई सोशल करेक्ट, मीडिया। और उसके इन एडिशन टू दैट अगर कोई करंट में न्यूज चल रही है जैसे हायर वेजेस को लेके बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रही है या कोई ईपीएफओ की हेडलाइन जो बहुत ज्यादा विच इज मेकिंग न्यूज करंटली उस पे थोड़ा ध्यान दे दे तो कुल मिला के एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और यू कैन सी थ्रू इजीली ईपीएफओ वाले पार्ट पे। राइटली कवर्ड इट सर जो करंट अफेयर्स में ईपीएफओ का है वो उनको शायद ज्यादा पता होगा उनको भी ऑर्गेनाइजेशन की डेप्थ नहीं होगी बट दे विल नो कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अगर कुछ मीटिंग हुई है रिसेंटली कुछ रिव्यू में है तो दोज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट राइट राइट। सर। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक एक्सपर्ट ईपीएफओ का मेंबर था हु वाज आस्किंग ओनली पर्टेनिंग टू ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी? सर आई वाज नॉट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन सर अबाउट ईपीएफओ इन होल ओके इंटरव्यू और फाइन बहुत राइट। लंबा चला था तब भी मतलब उसमें तो कुछ नहीं पूछा आप मेरे से। राइट, तो आप BIT से के पास आउट हैं, यू आर एन एल्यूमनाई ऑफ सर BIT। बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस या बिट्स पिलानी, ग्रेट। राइट सर। अभी एक आपसे आपके ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा कि आपसे पूछा कि आप बिट्स से हैं और उसके बाद भी आप ईपीएफओ में आना गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं। ये राजवीर एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछा जाता है क्योंकि हमने देखा ये कि ज्यादातर कैंडिडेट जो अपियर हो रहे हैं वो या तो NIT IITs या और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि बिट्स है इनसे पास आउट होते हैं। तो इनके लिए ये एक्सप्लेन करना कि अपनी एक टेक्निकल फील्ड जिसको ये 4 साल पढ़ के आए हैं उसको छोड़ के दे आर ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस। और कहीं ना कहीं एक और एडिशनल फैक्टर है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक ये ग्रुप बी की नौकरी है तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्टिग्मा रहता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि ये सिविल सर्विसेज की जो एलीट ग्रुप ए की जॉब्स हैं वो आर यू नो मच मोर सॉट आफ्टर, उनके उनमें ना जाके भी आप इसमें आके भी सेटल हो रहे हैं लीविंग योर ऑलरेडी अक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो इसको आपने इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया
और किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे जो IIT NIT के, वो कैसे हैंडल करें इसको? सर, उससे सर जो मैंने सीखा वो विद इन क्लास नहीं सीखा, क्लास के बाहर भी सीखा, पीयर से सीखा। वहां पे सिर्फ साइंसेस नहीं पढ़ी, सोशल साइंसेस भी पढ़ी। वहां पे जाके जो फ्रीडम था उससे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हमारा जैसे जो कैंपस था वो आउटस्कर्ट्स पे था, उसके पास की सोशल इश्यूज क्या थे, उन सबसे सर जो मेरा अपने आप की अंडरस्टैंडिंग में को जो बनी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजिशन चाहता हूँ, पब्लिक इंटरेक्शन चाहता हूँ, उससे सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव बना। सिविल सर्विसेज की तैयारी में आई गेव माई बेस्ट, आई रोट मेंस, कुडंट क्वालिफाई, आई लुक फॉर इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज। और सर अब मेरे लिए सर दीज आर इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज टू गो देयर, जस्ट नॉट स्टडी बट डू समथिंग। तो मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उस इंटरव्यू में बैठा और मैंने क्रैक किया। एंड सर रोल सर मतलब आई डोंट फील ग्रुप बी ग्रुप पे, दीज आर क्लासिफिकेशन सर, वो बंदे पे कि बंदा ग्रुप पे है कि बंदा ग्रुप बी है। हाउ यू डू द जॉब विल मेक द डिफरेंस सर, रादर देन वॉट रोल इट हैज। राइट, ग्रेट. मतलब ये दिस वॉज वॉट यू फेल्ट डीपली, कि आपका ये रियल जो परसेप्शन था वो आपने उनके सामने रखा. और एक बहुत ही अच्छा और बहुत होलिस्टिक सा आंसर है कि इट्स नॉट जस्ट द एकेडमिक लर्निंग्स एंड द एकेडमिक एनहांसमेंट दैट यू हैव अचीव्ड. वहां पे आपका जो आउटलुक डेवलप हुआ उसने आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो इनफैक्ट वी हैव टर्न द क्वेश्चन अराउंड इट्स हेड. कि कोई ये पूछ रहा है कि वो छोड़ क्यों रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि उसी ने ही मेरे को इंस्पायर किया सिविल सर्विसेज की तरफ आने के लिए. वेरी ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल रियलिटी जस्टिफिकेशन एंड दैट एंड वे विच इज द रियलिटी, मतलब वो बिल्कुल रियल कोर आंसर है। एंड सर आपके सेकंड केस पार्ट में. इज इंजीनियरिंग में हाउ यू आर यूजिंग दो स्किल्स सर, तो मैं उसमें भी सर यही बिलीव करता हूँ कि सर एक टेक्निकल एक्यूमन है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है मेरा चीजों को लेके, सोल्यूशन ओरिएंटेड हम चीजें लेके आते हैं। तो सर वो जो चीजें इनग्रेन्ड है डीपली और वो जो एक एप्टीट्यूड है वैसा, दैट विल हेल्प। एंड सर ऑल इंडिया सर्विसेज का जो नेचर है, दे विल इंटीग्रेट ऑल सच पीपल, पीपल फ्रॉम मेडिकल, पीपल फ्रॉम आर्ट, पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग, एंड व्हाट दे वांट इज द बेस्ट ऑफ ऑल टुगेदर टू सॉल्व द इश्यूज व्हिच पीपल आर फेसिंग। तो वो जो इंटीग्रेशन है दैट इज द ब्यूटी, रादर देन मतलब थिंकिंग कि क्यों आ रहे हो, आना है इसीलिए उन्होंने दे हैव मेड ग्रेजुएशन जस्ट लेवल कंपल्सरी। ओके, सो वेरी मैच्योर एंड वेरी होलिस्टिक यू हैव गिवन व्हाइल आंसरिंग दैट. तो ये मेरे को लगता है कि दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स. ये बहुत ही एक सीरियस डाउट है लोगों के मन में कि इसको कैसे हैंडल करें. दे गेट कॉट ऑफ गार्डेड, यू नो, कि उनसे पूछा जाए कि आप क्यों आना चाहते हो, तो बोलेंगे हाँ सोशल सर्विस. एक एक पॉइंट और एक एक लाइन का आंसर वो लोग डेवलप करते हैं. यू हैव टू स्पीक इनसाइटफुली, कि आपने खुद को उस चीज को यू फील इट फ्रॉम इनसाइड और उसको बताते हो जब आप, तो दैट ब्राइटनेस अपियर्स ऑन योर फेस, यू लुक कॉन्फिडेंट. तो अगर आप लोग कुछ आंसर तैयार भी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये होगी बार बार उसको प्रैक्टिस करें. जैसे राजवीर ने एक अपना एक बहुत अच्छा होलिस्टिक सा अप्रोच तैयार किया था इस आंसर के लिए. तो यू शुड बी रेडी, और इट शुड अपियर ऑल्सो दैट यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज इवन इफ यू हैव स्विचिंग स्विचिंग फ्रॉम अ टेक्निकल फील्ड. तो Also, sir, I राजवीर, will add to it, sir. या One thing, प्लीज sir, प्लीज. when you are giving answer to support it, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ डैफ है, to support that I want to shoulder public responsibility, you can highlight that कि I have also mentioned in DAF कि ये मैंने काम किया, which were of public responsibility nature, जो आपने कुछ किया हो, क्योंकि that will support your what you are saying, मतलब सिर्फ वर्ड से ज्यादा वो एक जो कागज है उसमें से वो वेरीफाई भी हो जाएगा। जैसे एकेडेमिकली प्रोफिशियंट है तो यू कैन से एकेडेमिकली मैं अच्छा हूँ, तो यू हैव प्रूफ ऑल्सो उसका कि यू कैन मेंशन सर जैसे कि मैंने ये किया, दैट दैट ऑल्सो मेक्स वन वेरी मतलब कि ट्रुथफुल है बंदा। राइट, सो ओवरऑल हमें अपना जो बेस्ट सेल्फ है वो वहां पे वी हैव टू पुट इट फॉर. क्योंकि 20-25-30 मिनट आपकी, तो यू वेर लकी इनफ टू हैव सच अ लॉन्ग इंटरव्यू, एंड इट इज जनरली सेड दैट फॉर दोज हु आर यू नो हु दे डिसाइड इन द फर्स्ट गो कि इनको ज्यादा नंबर देना है, तो उनका इंटरव्यू थोड़ा लंबा लेते हैं वो उन कैंडिडेट्स का. दिस इज अ सेइंग अबाउट यूपीएससी. तो आप ये, सो राजवीर, वी हैव डिस्कस, वी हैव टू कीप इट क्रिस्प, वी हैव टू कीप इट शॉर्ट. वट अबाउट ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, कि जब आपसे पूछा जाए अगर एट द आउटसेट कि आपको ओपिनियन बताना है, तो क्या किया आपने, क्या आपने साइड लिया, क्या पहले से प्री डिसाइडेड स्टैंड लिया आपने, या पहले एनालाइज किया, इंट्रोड्यूस किया उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जाके यू चोज साइड? क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टैंड लेना पड़ता है सर, मेरे में बहुत ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस ही थे सर। और जैसे कि उन्होंने पूछा बिग स्टेट्स वर्सेस स्मॉल स्टेट्स, कि छोटी स्टेट्स होनी चाहिए या फिर बड़ी स्टेट अच्छी है, और उस पे सर मेरा एक स्टैंड क्लियर कट था, जो कि मैंने इतनी जो लंबी पढ़ाई की है उससे जो डेवलप हुआ है मेरा, आई स्टूड माई ग्राउंड
एंड देयर वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग, 4 5 बार उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, बट आई स्टूड माय ग्राउंड. मतलब वो मेरा, मेरे को व्हाट आई फील आई सेड दैट ओनली. तो कि गुड गवर्नेंस और वो सब उसका एस्पेक्ट था, वी कैन गो इनटू दैट सर. सो आई बिलीव सर कि एक स्टैंड लेना चाहिए और वो स्टैंड सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए. कोई भी सही नहीं है. फ्रीबीज पे भी दे आस्क्ड एंड द चेयरमैन सेड कि आई आल्सो कंकर विद व्हाट योर व्यू पॉइंट इज. तो फ्रीबीज पे भी देयर आर क्रॉस क्वेश्चंस कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एंड आई हैड माय ओन लाइक उसमें सेंटर ग्राउंड के, कि नहीं ऐसे वाली होनी चाहिए ऐसे वाली नहीं होनी चाहिए. एंड विद एग्जांपल्स आई ओके स्टूडेंट राइट. ओके तो सो ओपिनियन यहाँ तो देना पे पड़ता है. ओपिनियन वन शुड, सो यस देर आर टू वर्ड्स, व्यूज एंड ओपिनियंस. सो व्हेन इट कम्स टू व्यूज देर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हिसाब से देर कैन बी वेरियस व्यू पॉइंट्स, राइट. और अगर आपसे ओपिनियन वर्ड इज बीइंग यूज कहीं से, आप अपना ओपिनियन दीजिए, तो एज राजवीर सेज कि यस वी हैव टू पुट फोर्थ ओपिनियन, उसको लेकिन एनालाइज करना है, उसको सब्सटेंशिएट करना है विद फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपको उस टाइम पे सुटेबल लग रहा है. तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है राजवीर, आपके डैफ में मैं देख रहा था कि यू हैव यूनिक हॉबीज. एक इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ना और समझना, ये जनरली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी करनी होती है, बट इसको आपने हॉबी बना लिया और इसको हॉबी में लिखा आपने. यू वेर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आप हॉबी में लिख पाए इसको. तो ये हॉबी आपने कैसे डिसाइड किया कि ये भरनी है, और दूसरा इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आए और आपने कैसे उसको यू स्टूड टू देम. जैसे सर PSIR ऑप्शनल पढ़ रहे थे, तो उससे ज्यादा तो स्ट्रेंथ वाला कोई पार्ट नहीं था सर. दैट्स व्हाई आई मेंशन कि मतलब उससे ज्यादा तो मेरे को सच में कुछ नहीं आता जितना भी मेरे को जो आता है. तो मेरे को था कि इंजीनियरिंग वाला अगर मेरा पार्ट वीक रहेगा तो आई शुड पुट फोर्थ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जहां से मेरे से अगर पूछा जाए कुछ तो आई कैन गिव अ गुड आंसर. वो दैट वॉज आई वॉट आई फेल्ट कि मेरे को आता है, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट. एंड प्रेपरेशन पार्ट सर, क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आता है, तो आई डिड नॉट प्रिपेयर इट मच. What I prepare for civil services PSIR optional, I use that knowledge only sir. क्योंकि मेरे को broader understanding is more important rather than current events. मेरे current affairs sir बहुत strong नहीं होते, but how the relations between two nations are operating broader frameworks के हिसाब से, I have good understanding because of my diversified reading. Right, so it was basically a strategic decision more than a passionate one. यस So सर that कि आई वो हाँ यस सर आई जस्ट वांटेड टू कोप अप कि मेरे से अगर मेरा पूछा जाए टेक्निकल साइड पे विच इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो मैं इससे कुछ उसको कंपनसेट कर पाऊँ. और एक एक बहुत हार्श रियलिटी है कि काफी सारे लोगों को मैंने डैफ भरते वक्त आई हैव ऑब्जर्व कि दे राइट कि वर्किंग इन एन एनजीओ कम्युनिटी सर्विस और इस तरीके की. तो जनरली ऐसा होता है, आप यू मस्ट हैव डन इट, नो क्वेश्चनिंग अबाउट दैट. लेकिन द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग रैंडम फिलर्स की तरह यूज करते हैं हॉबीज में इसको, इस पर्टिकुलर हॉबी को. तो अगर किसी ने भर दिया है और समवन हैज टू यू नो प्रिपेयर अबाउट इट, पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, और दूसरा अगर कोई भर चुका है इसको ऐसी हॉबी को और एक आध बार कभी कोई कम्युनिटी सर्विस की है, किसी एनजीओ में गए हैं, तो किस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट दे डोंट मेक अ मॉकरी आउट आउट ऑफ देयर हॉबी. सर मेंशन सर वही चीज करनी चाहिए जो की हुई है कभी, तो एटलीस्ट कभी की हो, चाहे वंस भी हो तो इट्स गुड इनफ. ठीक है कोई बात नहीं. जैसे सर मेरे लिए क्या था सर कम्युनिटी सर्विस सर, जो मैंने सर उस टाइम पे मैंने जो किया था, तो विद माय अंकल आई यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारा. वो हमारा था कम्युनिटी किचन में काम करना, मेरे ताया जी मेरे को लेके जाते थे, तो वो मेरा एक रूटीन था. मैंने अपने रिलीजन का जो अच्छा एस्पेक्ट है जिसमें मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, आई यूज इट अ कम्युनिटी सर्विस वाले उसमें, कि कम्युनिटी किचन में काम करता हूँ, ऐसे ऐसे सेवा करना, ये सब करना, और वैल्यू सिस्टम भी उस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिपेयर्ड सर कि लंगर है वो सब भी विद इन सिख रिलीजन हाउ वी डू द कम्युनिटी सर्विस. मेरा एक कंटेक्सचुअलाइज था आगे, सो आई डोंट वॉन्ट कि मतलब कोई भी बंदा प्रिपेयर करे तो उसको अपने हिसाब से जस्टिफाइड करे कि मैं यहाँ पे था, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका ऐसा ऐसा काम था, मेरी नेचर में ऐसी ऐसी चीजें हैं, सो दे शुड बी नेचुरल रेजोनेंस कॉन्जोनेंस बिटवीन यू एंड योर हॉबी. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हवा से ऊपर से कहीं से लैंड हो गई है. राइट, ठीक है. और ऐसा भी कहीं होता है क्या, दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सच एनजीओ, अगर आप एक में काम करते हैं, सपोज एनजीओ की बात करते हैं, ये तो ट्रू आपने सर एक स्पेसिफिक टाइप का कम्युनिटी सर्विस है, मान लीजिए कोई एनजीओ, तो क्या शुड दे ड्वेल डीपर इनटू इट कि एनजीओ और कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से सेवा हो सकती है, किस किस तरीके से कम्युनिटी सर्विस हो सकती है. तो मतलब इसका एम्बिट थोड़ा ब्रॉड करके प्रिपेयर करना चाहिए, डोंट यू थिंक सो.
सर व्हाट आई फील इज सर कि मतलब इसका सर कोई थ्रू एंड नहीं बनेगा, बट जैसे अब मैंने कम्युनिटी सर्विस है तो कोविड के टाइम पे उसको मतलब करंट अफेयर से कहीं रिलेट हो सकता है वो, तो कम्युनिटी सर्विस है तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रही है उस पर कुछ क्वेश्चंस जा सकते हैं, एनजीओ की फंडिंग पे जा सकते हैं, लाइक व्हाट दे विल बी नोइंग मोर इज के करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें इन जनरल, नहीं तो वो आप पे जब छोड़ रहे हैं दैट्स अ बेस्ट मतलब पार्ट के आप उस पर छक्के हिट कर सकते हो, आप अपने मन में एक बनाई हुई आपने कहानी जो भी है जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं यू कैन पुट फोर्थ देम कि कोविड में मैंने ऐसा ऐसा काम किया, या फिर अपने एक छोटा सा वहां पे जहाँ पे मैं रहता था जिस रीजन में होम टाउन में वो मेरा जो छोटा सा एरिया है वहां पे मैंने ये किया काउंसिलर के साथ मिलकर, कुछ भी इवन आई फील कि कुछ थोड़ा बहुत भी किया हो यू कैन बिल्ड अ गुड आंसर अराउंड दैट, वो बहुत हाई लेवल का ओके कुछ ना भी किया हो। राइट। तो एक एक नया एक दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आपने बताया कुछ ऐसी चीजें थी जो यू लेटर ऑन रियलाइज आफ्टर इंटरव्यू कि कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि यू कुड हैव डन बेटर, क्या ऐसा कुछ था? और दूसरा एग्जैक्टली वो क्या था, और आप दूसरे एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि वो उन इश्यूज को कैसे हैंडल करें? सर एक सर कॉन्फिडेंस पार्ट पे सर मेरे को थोड़ी कमी थी, उसके लिए सर जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मेरी बाद में डेवलप हुई कि इंटरव्यू में है क्या कि व्हाट दे वांट इज के जो उस जॉब में या उस रोल के लिए जो क्वालिटीज चाहिए और जो आपकी आपने जिंदगी भर में चीजें की हैं वो जो क्वालिटीज हैं उनमें एक नेचुरल कॉन्जोनेंस है एंड इफ यू कैन मोल्ड दोज थिंग्स एक दूसरे से उनको आप मिला सकते हो कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हो तो यू आर फिट फॉर इट, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो प्रेपरेशन बहुत ईजी है, तो मेरे CAPF इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया, मार्क्स भी नहीं दिए, इट वेंट वेरी वेल, आई गॉट 105 मार्क्स उसमें 150 में वेरी से। गुड। एंड सर सेकेंड पार्ट वॉज सर जो आप सर मेरे को बोलते थे पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया वो था सर के क्वेश्चन खत्म होते आंसर देने वाला, एंड इन सेकेंड इंटरव्यू आई मेड श्योर के आई वॉज टेकिंग वेल इनफ टाइम, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, ये दो चीजें मैंने की थी और मैं आंसर्स को क्रिस्प उसमें कम रख पाया था सर, मतलब कहना आसान है कि आंसर क्रिस्प रख लो बट उस एनवायरनमेंट में वन कीप्स टू लाइक ऐसे कि मैं देता रहूं आंसर देता रहूं जब तक सामने वाला रोके ना, मैं सब बता दूं जल्दी जल्दी, आई ऑल्सो राइट। स्लो सो डाउन माई पेस जो बोलने की है उस इंटरव्यू के लिए, दीज वर माइनर चेंजेस आई वॉज कॉन्फिडेंट, तो मैं ये चीजें कर पाया अच्छे से इम्प्लीमेंट, पहले भी पता थी पर मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाया था उनको। राइट, वेरी गुड। सो वेरी की पॉइंट्स। तो ये तो बात सच है कि दीज आर माइनर थिंग्स, लेकिन ये दे मेक यू यू नो लुक अ वेरी गुड स्पीकर, अ वेरी पेशेंट लिसनर, अ वेरी गुड स्पीकर, मेच्योर पर्सन। तो एक नॉच आपका जो जंप है ना, दैट इज डिराइव फ्रॉम दी स्मॉल स्मॉल निटिग्रिटीज इफ यू वर्क अपॉन। तो वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट्स यू हैव ब्रॉट फोर्थ। तो लाइक वी यूज टू डिस्कस, इसका मेन पर्पज ये है कि अगर आपके लेट एस्पिरेंट्स अंडरस्टैंड दिस यू नो वेरी क्लियरली कि अगर इफ यू हैव दिस आइडिया दैट यू हैव टू कीप थिंग्स क्रिस्प, तो होता क्या है, एज यू सेड वहां पे इंटरव्यू हॉल में देर इज अ ड्राइव टू स्पीक, देर इज अ ड्राइव टू प्रूव, देर इज अ ड्राइव टू टेल, स्पेशली इन द एरियाज जहां पे आपको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि जनरली 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, तो देर इज अ नेचुरल टेंडेंसी। तो यू वन हैज टू ऑलवेज रिमेम्बर कि वो क्रिस्प रखने का अगर एक दिमाग में अवेयरनेस रहेगी, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप यूटिलाइजिंग लेस टाइम देन यू वुड अदरवाइज डू। तो इससे ये बेनिफिट हमेशा रहता है, तो दिस शुड ऑलवेज बी यू नो लुक्ड इन टू। और राजवीर, इसके बाद अब आप CAPF का इंटरव्यू भी देखे आए, उसमें से आपकी क्या लर्निंग्स और क्या कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए जो आपको लगता है कि अब आप दो इंटरव्यूज क्रैक करके, और आई वुड कॉल यू रादर एन एक्सपर्ट एट यू नो गेटिंग गुड मार्क्स इन इंटरव्यू नाउ, तो सर आप कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं विच यू फ्रॉम योर ओन साइड नाउ वुड यू वुड लाइक टू टेल एस्पिरेंट्स? जब मैं इंटरव्यू देके बाहर निकला था तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ, सबसे पहले पापा से कॉल किया और उस दिन दूसरे इंटरव्यू में भी पापा चले गए थे तो उनको कॉल पे ही बताया था, तो फर्स्ट इंटरव्यू में व्हेन आई नरेटेड आई न्यू एवरी आंसर EPFO वाली में, ये क्वेश्चन का ये आंसर ये का ये आंसर। इन सेकेंड इंटरव्यू जो हुई वो टेक्निकल साइड पे दो मेंबर्स ने वही 4 मेंबर बोर्ड ही था, 4 मेंबर या 5 मेंबर है एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिकॉल, सो 4 ही थे, 1 2 3 4 जितना बता सकते, लेकिन 2 मेंबर्स हाँ 4 मेंबर बोर्ड सर चेयरमैन एंड अदर 2 मेंबर्स एंड देन द 4th मेंबर वाज़ सरदार, ही वाज़ सरदार मेंबर, तो याद आ गया 4 ही थे। एंड सर जो 2 मेंबर्स थे उन्होंने सिर्फ मेरे से टेक्निकल साइड डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स
और उसी पे मेरे को ग्रिल किया, लिटरली कुछ और पूछा ही नहीं उन्होंने। तो वो मेरे लिए वो हो गया कि पहली तो डेफ से आ गई, उसी पे था, और इट वाज अ शॉक। लाइक आई नरेटेड सेकंड इंटरव्यू अपने फादर को, जब लाइक यार ये तो बिल्कुल खराब गई है तेरी। पापा खराब तो गई है पर नंबर मेरे इसमें ज्यादा आएंगे, बिकॉज आई न्यू कि इंटरव्यू की डिमांड क्या है, कि मेरे को क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता पर जो उनको चाहिए मेरे में मैं वो कन्वे कर साथ के साथ, जब आंसर नहीं भी आ रहा। सो द थिंग इज सर, सेकेंड इंटरव्यू वॉज आउट ऑफ डेफ, वॉज बिट रैंडम, बट सर इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द क्वेश्चंस। ओके राइट सो इंटरव्यू व्हाट कैसी गई है उससे मार्क्स के ऊपर नहीं आता सर, इट्स मोर अबाउट हाउ वन इज हैंडलिंग इट। मतलब वो वन कैन नॉट जज बाय कितने आंसर सही दिए। राइट सो बेसिकली जो आंसर आप नहीं दे पाए हो उनके लिए यू आर नॉट बीइंग जज्ड, तो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हम 3 क्वेश्चन नहीं बता पाए, 4 नहीं बता पाए, 1-2 क्वेश्चंस में 1-2 फैक्ट्स, अगर एक आध फैक्ट्स माइनर चीजें गलत भी हो गई तो जो हम समझ पा रहे हैं आफ्टर डिस्कसिंग विद राजवीर, तो हम लोगों को यही समझ आ रहा है कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें नॉलेज को लेके प्लीज डोंट बी इनसिक्योर, और आप किस तरीके से अपने जो आता है आपको उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप किस तरीके से खुद को काम रख पाते हो इंटरव्यू सिनेरियो में इवन इफ यू आर अनेबल टू आंसर, और कैसा आप महसूस करा पा रहे हो बोर्ड मेंबर्स को, द लेवल ऑफ मेच्योरिटी यू आर एबल टू शो दैट विल मेक यू अपियर मोर सुटेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। वेल ऑन दैट नोट वी शुड कॉल इट अ रैप ऑन टूडे सेशन, सो लेट अस थैंक राजबीर फॉर हिज वैल्यूएबल सजेशंस एंड एडवाइस एंड गाइडेंस टू द एस्पिरेंट्स। थैंक यू राजबीर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर या कंडक्टिंग दिस वेरी गुड इंटरव्यू एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स। मेरे को तो काफी द अच्छा होप लगता है इज शेयर करना सर, क्योंकि मतलब वो भी टाइम था सर 1-1.5 साल पहले, व्हेन आई वाज वेरी नर्वस, व्हेन आई वाज लाइक कि क्या होगा क्या होगा, यूपीएससी इंटरव्यू का इतना हुआ बनाया होता है। बट आज जैसे मैंने अपना शेयर किया तो दे विल फील मोर लाइक कि कुछ नहीं है, अपने घर घर के जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे 4 लोग बैठे होंगे और बातें करेंगे हमारे साथ, वही होगा। सो ऑल द राइट सो बेस्ट टू ऑल द प्रिसाइजली एस्पिरेंट्स। यस द प्रिसाइजली द पर्पस ऑफ दिस सेशंस आर दिस ओनली टू नॉर्मलाइज इट एंड टू मेक इट अपियर नॉर्मल और एक ऑब्वियस एक्सपीरियंस जिसमें बहुत ज्यादा कुछ इतने चैलेंजेस नहीं है जितना इट इज जनरली मेड आउट टू बी, स्पेशली फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हु डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यूज, वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन रियलाइजिंग दैट दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन विच इज इंटेंडेड टू जज योर क्वालिटी स्पेसिफिकली, जो बोर्ड वाले बहुत सीनियर लोग हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, यू डोंट नीड टू यू नो टेक स्ट्रेस और गेट अंडर अनड्यू लोड। ऑन ऑन दैट नोट थैंक्स अगेन राजवीर, नेक्स्ट टाइम वी शेल टेक गेट गेट विद अनदर टॉपर और वील ट्राई टू गेन मोर इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस।